बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चिकन रोस्ट इन पैन। चलें शुरू करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम एक चिकन लेंगे और इसको चार पीसेस में कट करवा लेंगे। इसके बाद अब हम छुरी की मदद से इसके ऊपर कट्स लगाएंगे। इस तरह से अब हम इसकी मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक कप दही, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जर्दा रंग, 2 टेबलस्पून ऑयल, 3 टेबलस्पून लेमन जूस। अब इन तमाम चीजों को हम विस्कर की मदद से अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। मैरिनेशन का मिक्सचर तैयार हो चुका है, अब हम इसे चिकन पर लगाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसको चिकन पर लगाना है, क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। व्यूअर, चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसे 4 से 5 घंटों के लिए रख देंगे। व्यूअर, चिकन मैरिनेट हुए 4 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे कुक करेंगे। मैंने एक ग्रिल पैन में 3 खाने के चम्मच ऑयल डाला था और अब मैं इसे अच्छी तरह स्प्रेड कर लूंगी और अब मैं इसमें चिकन के पीसेस रखूंगी। चिकन के पीसेस मैंने पैन में रख दिए हैं और जो बाकी का मटेरियल बचा था मैरिनेशन का, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पर हम पकने देंगे। चिकन को पकते 20 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और इसे मजीद पकने देंगे। ले व्यूअर्स, मज़ेदार चिकन रोस्ट पैन ग्रिल बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।